नमस्कार दर्शकों, नवरात्रि के सातवें दिन कालरात्रि के स्वरूप में माता दुर्गा की पूजा की जाती है। कालरात्रि का स्वरूप घने अंधकार जैसा काला होता है, बाल बिखरे हुए तीन नेत्रों वाली ये कालरात्रि का स्वरूप यानी माता काली का स्वरूप माना जाता है, जो दिखने में भी बहुत भयंकर दिखता है लेकिन वो शुभ फल देने वाली माता होती है, इसलिए उसे शुभांतिका के नाम से भी पहचाना जाता है। कालरात्रि के चार हाथ होते हैं, एक हाथ वर देने वाली, दूसरा हाथ अभय देने वाली, एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में काटा होता है। जो भी भक्त ये कालरात्रि की पूजा करता है उसे भूत, प्रेत, पिशाच, छाकिनी, डाकिनी, राक्षस, दानव, ये सारे भयों से मुक्ति मिल जाती है। जो भक्त सच्चे मन से कालरात्रि के स्वरूप की पूजा करता है उसे अग्नि का भय नहीं रहता है, उसे जल का भय नहीं रहता है, दुश्मन का भी भय नहीं रहता है, किसी जीव जंतु का भी उसे भय नहीं रहता है। जो भी भक्त सच्चे मन से ये कालरात्रि के स्वरूप की पूजा करता है नव दुर्गा के नवरात्रि के दिन सातवें दिन उसे अपने दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त होता है, इसलिए इसे कालरात्रि का स्वरूप यानी कि काली माता का स्वरूप माना जाता है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।